हाँ जी नमस्कार भाई, सुबह के बज गए 5:30 और मैं आ रही हूँ घेर से, अपने घेर का काम करके। और हमारी यही है भैंस, 2 दिन हो गए और अपना दूध वूध निकाल के है गई देखो। और आज है प्रोग्राम अपनी सिस्टर के यहाँ जाने का, तो भाई पहले चलेंगे नदी का मंदिर और फिर तैयारी करेंगे सिस्टर के जाने की। तो भाई देखियो चलो, और भाई नह लिए नह कर चलेंगे जा मंदिर। तो भाई पूरे सामान का प्रोग्राम चल रहा है ही। और भाई आ गई हूँ मैं अब मंदिर से, और अब जा ये देखो जल लेके आई भाई वहां से, तो इसे अपने दरवाजे पे बाहर डाल दिया और ये पेड़ पौधों में डाल दिया भाई। और मैं पूरे सामान तक जाऊँ भाई मंदिर, तो कंप्लीट होने वाला है सावन का महीना। और भाई अब जा तैयारी होगी सिस्टर के यहाँ जाने की, अब मैं निकलती। और भाई ये चलती हूँ मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पे, तो दोनों सिस्टर का जाना है भाई। और ये मैं पहुँचने वाली हूँ फिलहाल शाहपुर, क्योंकि पहले मेरी भाणजी है जो बड़े वाली, मेरी बहन का 3 बेटी हैं, तो बड़े वाली है जो GNM का कोर्स कर रही है, और उसका यहाँ पे शाहपुर हॉस्पिटल में भाई उसका एक्सपीरियंस कोर्स चल रहा है, तो वो भी घर जाएगी तो उसे लेके जाऊंगी मैं। और फिर दोनों जाएंगे भाई हम पहले बड़ी सिस्टर के यहाँ। और ये देखो हमारे यहाँ सड़क नहर का रास्ता है ये शाहपुर गुजा भाई, इसमें बहुत कम ट्रैफिक है। आप बोलोगे हेलमेट नहीं लगा, भाई मुझे आदत बहुत कम है हेलमेट की, दिक्कत बने वैसे ले रखा मैंने। और ये पहुंचने वाली हूँ मैं शाहपुर पहुंच गई ये देखो, लेकिन वो हॉस्पिटल भाई मंसूरपुर रोड पे काफ़ी थोड़ा शाहपुर से हट के है, तो फिलहाल मैं उस रोड पे आ गई मंसूरपुर वाली पे, और 4-5 किलोमीटर मंसूरपुर साइड जाके तब जाके हॉस्पिटल है वो, तो उसमें है भाई गुड़िया हमारी, और उसे लेके तब मैं चोर मऊ जाऊंगी। तो भाई ये आ गया हॉस्पिटल, और मैंने सब कॉल कर दी कि भाई नीचे ही आ जाए जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत दूर तक जाना है और वापस भी आना है मुझे। तो ये देखो मैं पहुंच गई, और वो आने वाली है, मैं बाहर उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि आ जाए जल्दी से। और वो आली भाई ये देखो, तो ये अभी वहाँ पे जाके गेट पे अपने साइन करने के लिए, तो ये देखो। और फिर हम चलने वाले हैं, और ये हम चल दिए भाई दोनों मौसी भाण जी अपने सिस्टर के यहाँ जाऊंगी भाई मैं आज। और ये देखो भाई रास्ता है चोरमऊ जाने वाला, चिटचिटा गलेटा वाला भाई रास्ता है ये जो बिनोली से, और चिटचिटा गलेते घूमते हुए चोरमऊ में जा भाई, काफ़ी दूर है हमारे गांव से मेरी सिस्टर का गांव, तकरीबन 75 किलोमीटर लगभग। और ये देखो इतनी भीड़ भाड़ नहीं है पर, तो चल रहे हैं भाई। और मुझे छोटी सिस्टर का भी जाना है अपने दूसरे गांव में, तो जल्दी जल्दी कवर करना पड़ रहा है। और ये पहुंच गई भाई मैं अपनी बड़ी सिस्टर का, थक गई आपको पता भाई का लंबा सफ़र। और ये हमारा बन गया भाई पूरे महादेव का प्रोग्राम,
तो हम, मैं, सोनू और मिर्जिस्टा आ गए हैं। पूरा महादेव परशुराम का मंदिर है भाई यहाँ। बोले परशुराम, मतलब परशुराम का भी है पास में। परशुराम ने भाई यहाँ जल चढ़ा था, पिंडी ले गए थे ऐसा सुना भाई। और ये जल देखो लुटिया में ले लिया और चल दिए हम पूरा महादेव पे। और देखो भाई अब का बुलबुला लग रहा है, भीड़ है काफी। ऐसी कथावत है भाई इस मंदिर के बारे में, जो पूरा महादेव है और अधिकतर यूपी के जितने भी कांवड़िया हरिद्वार से जल लेगा मैं भाई, 80% 90% जल यहीं पे चढ़ता है यूपी का। तो भाई लग रहे हैं लाइन में। आगे वहाँ से अब चल रही हूँ अपनी बाइक को ले, वहाँ पे पास में खड़ी करी थी, और फिर अपने सिस्टर को और अपने भांजी को लेके जाऊंगी भाई मैं घर चोरमो वापिस। तो अब भाई मेरा चलो रक्षाबंधन का प्रोग्राम कर लो अपना, तो ये भी अपना साथ में हो गया। और ये मेरी बड़ी बहन है भाई, आपकी दुआ था ठीक होगी, बहुत ज़्यादा चोट आई थी इन्हें 29 दिसंबर को, ये गिर गई थी, पल बंधा थी पशुओं के लिए और पैर फिसल गया था इनका, तो बहुत ज़्यादा चोट थी। तो काफ़ी आराम है, फिर भी इनके हाथ में थोड़ी सी दिक्कत है मामूली सी, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी ठीक। लेकिन भाई भगवान की दुआ है और आपकी दुआ, ये अब काफ़ी ठीक है। तो भाई ये मेरी बड़ी सिस्टर और ये सब बैठे हैं भाई, तो मेरा चलने का प्रोग्राम है भाई। मैं रोड से निकल गई और मैं चलूँगी गाड़ी 2 बज के और मुझे घर भी जाना आज ही। और ये मैं पहुंच गई हूँ भाई अमीन नगर सराय, जो केड़वा के पास है, यहाँ का प्रसिद्ध घेवर। तो भाई पूरे साल में मैं भाई लेके चलूँ तो थोड़ा 5-6 किलोमीटर हट के है रोड से, जहाँ मुझे अपनी सिस्टर के जाना छुट्टी वाली है। और ये देखो कितनी भीड़ थी, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट में भाई ले लिया। ये घेवर है भाई यहाँ का, जो बागपत में प्रसिद्ध घेवर बता भाई अमीन नगर का। और बारिश चल रही थोड़ी थोड़ी और भीड़ देखो। और मैं चलती हूँ भाई छोटी बहन का मीनू के यहाँ गाँव हिलवाड़ी में। और ये रास्ता है अमीन नगर सराय सहरा भाई, और पूरा भी चले जहाँ से चोर मोवी बिनोली, ये रास्ता तो अब रोड साइड चल रहा। और ये अब गुरान आने वाला है, और मैं भाई यहाँ एक चीज़ दिखाने के लिए आपको यो करा। यहाँ देखो ये 200 साल पुराना भाई बरगद का पेड़ है भाई, बताया गया है। ये देखो पुराने से थोड़े से आगे चल गई और
ये यहाँ मंदिर है। और भाई अब जब बस थोड़ा सा 1 किलोमीटर घुराना और फिर अपने एकदम घुराने के साइड हिलवाड़ी। और भाई मुझे बहुत जल्दी पहुँचना क्योंकि घर भी जाना मुझे और मम्मी परेशान हो जा के लिए, तो जल्दी जल्दी बहुत लंबा सफ़र आज तय करना। और तो भाई यही है कि भाई इतने दूर आपको पता किस तरह से जल्दी जल्दी में कवर करना पड़ा है, और ये पहुंचने वाली हूँ मैं बिल्कुल। गुराना आ गया बस, डाउत वाला रोड है और अब मैं गांव में घुसने वाली हूँ हिलवाड़ी में। और ये मैं भाई पहुँच गई हिलवाड़ी, और ये आ गई मैं घर, और ये बच्चे दोनों वियान और विशी, और ये मैं। भाई थक जाऊँ मैं बेड पे एकदम बस लूटी लूटी। और ये देखो भाई जल्दी अपने करके भाई अपने चलना है। तो ये बांधी भाई मेरी सिस्टर ने राखी, और फिर भाई मेरा थोड़ा प्रोग्राम चेंज हो गया, तो छोटे वाली सिस्टर का ले जाने का बन गया प्रोग्राम। तो भाई मैं फिर अपनी छोटी सिस्टर को लेकर चलने वाली हूँ और तैयारी कर दी। तो ये देखो यान नहीं जाएगा, यान रहेगा यहीं। और ये मामा भाणी जी का मिलाई का चक्कर चल रहा है। ये देखो भाई, और ये आगे भाई हम तितावी गांव में। तो भाई काफी लंबा सफर रहा और टाइम हो गया 6:30 बज गए भाई, और मैं 8 बजे घर से निकली थी और 3-4 जगह कवर भी कर दिया। चोरमऊ, पूरा महादेव, अमीन नगर, सराय, हिलवाड़ी, और भाई मैं तितावी आ गई। तो भाई जब जिम्मेदारी हो सर पे तो यूं ही भागना पड़ा है भागा दौड़। तो ये जिम्मेदारियां समझने वाला समझे, ये चीज होती है भाई जब इंसान निकल जाए और जिम्मेदारी पीछे रहे, तो इस तरह से ही भागा दौड़ करनी पड़े है बहुत ज्यादा। और भाई सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये आ गया भाई गाँव में, तो हमारा गांव भाई तितावी। और ये आ गए हम घर, और ये विशी है और इसकी मम्मी मेरे साथ आ गई। तो भाई ठीक है, नमस्कार।